तो दोस्तों गुड मॉर्निंग फ्रॉम उदयपुर। तो दोस्तों लास्ट एपिसोड में देखा आपने कि भैया अपन ने किस तरीके से उदयपुर को एक्सप्लोर किया और आप लोगों को बताया कि भैया कहाँ कहाँ जाने पे क्या क्या चार्ज लगता है और सीक्वेंस में आप कहाँ कहाँ जाएं जो आपका एक दिन के अंदर पूरा उदयपुर कवर हो जाए। सो दोस्तों रंगीलो राजस्थान की इस सीरीज में और इस एपिसोड में आप देखेंगे कि भैया अपन जा रहे हैं उदयपुर से माउंट आबू। उदयपुर से माउंट आबू की दूरी बेसिकली 180 किलोमीटर अराउंड है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे लगते हैं। रोड जो है ना अल्टीमेट है, बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा गांव का रास्ता अपने को पार करना पड़ेगा, उसके बाद में हाईवे मिलेगा, तब बात करते हैं अपन। जोधपुर लेफ्ट, माउंट आबू लेफ्ट, पिंडवाड़ा लेफ्ट, तो हम भी हो जाते हैं लेफ्ट। सो दोस्तों नमस्ते, राम राम, हेलो, इनक्रेडिबल सफ़र के साथ लेट्स गो विथ फ्लो। कोशिश तो यही रहेगी कि जल्दी पहुंच जाएं, क्योंकि भैया दिन में तो यहाँ पड़ रही है अच्छी वाली गर्मी और रात में और सुबह पड़ रही है बहुत अच्छी वाली ठंड। सो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, होप करता हूँ भैया मेरी तरह अच्छे ही होंगे। और निकल गए अपन भैया माउंट आबू के लिए। जैसा आपको पता है हाईवे आप देख ही रहे हैं कि भैया हाईवे कितना अल्टीमेट है और शानदार है, लेकिन इस हाईवे के बारे में एक चीज़ बताता हूँ आपको। आपका भी प्लान कर रहे हैं उदयपुर से माउंट आबू जाने का ना, तो थोड़ा मतलब लाइट में ही करना है। लाइट में कहने का मतलब अंधेरा होने से पहले पहले। इस रोड पे क्या है, अंधेरा होने के बाद में भैया कुछ लोग आ जाते हैं, जगह जगह पर आ जाते हैं और पकड़ करके लूट लेते हैं और मारते हैं अलग से और हैं। अगर आप उनको यूँ कहोगे ना कि भैया मारो मत, आपको जो चाहिए वो ले लो, तो वो पता है क्या कहेंगे, हम भैया खुददार आदमी हैं, मेहनत करके खाते हैं, मतलब पीटेंगे तभी छीनेंगे, ऐसे नहीं कि आपने दे दिया तो हमने ले लिया। बताओ ये क्या बात हुई, इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, मजाक बना के रखा है इंसानियत का। सो भैया यहाँ से सुंदर सुंदर नज़ारे स्टार्ट हो गए हैं और माउंट आबू तक अपने को यही मिलने वाले हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे ग्रीनरी भी अपने को अल्टीमेट मिलती जाएगी। हाईवे पे आते ही पता नहीं क्यों फिर से वो हवा का प्रेशर शुरू हो जाता है। हम चल रहे हैं आगे की और हवा विपरीत जा रही है। वाट अ व्यू मैन, वाट अ व्यू। सोचो सामने ये जो बंजर पहाड़ हैं, अगर ये पूरे हरे हो जाएं तो क्या व्यू आए यार, मतलब यार क्या बताऊँ अब मैं, लेकिन मस्त। मतलब राजस्थान भी यार नज़ारों में यार एक नंबर है यार, बताओ देखो। अचानक तेज चलते चलते भैया रोड पे चल रहा है काम, अगर नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। उदयपुर से माउंट आबू जाते समय 30 किलोमीटर पार करने के बाद में भैया ये आता है पहला टोल, और इसका जो प्राइस है ना वो है 85 रुपये मात्र। ओ पैर नीचे आ गए। देखो जीता जाता एग्जाम्पल है, ब्रेक नहीं लगाए मैडम ने लेकिन पैर नीचे आ गए, क्या बात है, वाह दीदी वाह, दीदी वाह। ट्रक आ गया सामने लेकिन ब्रेक नहीं लगे, पैर नीचे चले गए दोनों। ये मतलब स्कूटी से लेडीज़ों का कोई कनेक्शन लगता है, सामने कुछ भी आ जाए ना ब्रेक नहीं लगेंगे, पैर नीचे चले जाएंगे। क्या ये आ गई पहली सुरंग, उखलियात सुरंग, क्या नाम है यार इसका, उखलियात। उखलियात का मतलब क्या होता है मुझे भी नहीं पता। ओहो, अंधेरा कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, आंखों पे चश्मा और चढ़ा हुआ है, फटाफट निकल जाते हैं। इस रोड पे भैया मानसून में तो और मज़ा आ जाता होगा, मतलब देखो अभी भी कितनी हरियाली है, बारिश में तो हरियाली भैया 4 गुनी बढ़ जाती होगी। ये आज की दूसरी टनल, क्या नाम है इसका, खोखरी या नाल। तो अंधेरा आ गया, इसमें तो लाइट भी नहीं है, इसमें तो कुछ ही नहीं दिख रहा मुझे। सो भैया आज के दिन का दूसरा टोल और इसका दाम 115 रुपये, मतलब अभी तक हो गए 200 रुपये, 115 इस टोल के और 85 पिछले वाले टोल के। दैट इज़ द थर्ड एंड लास्ट टोल ऑफ टुडेज राइड एंड द कॉस्ट ऑफ दिस टोल इज़ 45 रुपीज़। तो अगर आप उदयपुर से भैया माउंट आबू आ रहे हैं तो आपका टोटल अमाउंट टोल में जाने वाला है 245 रुपये। ओए चलो है, दोस्तों अभी तक हमने उदयपुर से लेकर के यहाँ तक 125 किलोमीटर कवर कर लिए हैं और सिंगल ब्रेक भी नहीं लिया है, ठीक है। अब बस प्यास लग रही है, कहीं पे रुकते हैं थोड़ी देर, हो सकता है तो एक चाय भी मार लेंगे। हालांकि गर्मी है, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन बैठेंगे कहीं जगह तो एक चाय पी लेते हैं, एक पानी की बोतल लेते हैं और आपसे थोड़ी बहुत बातें करते हैं। सो
तो दोस्तों वैसे तो कोई ख़ास लोकेशन मिली नहीं, पर यहाँ शांति है तो भैया अपन यहीं रुक जाते हैं। पानी वानी पीना है, थोड़ी देर रेस्ट करना है, उसके बाद सीधे माउंट आबू ही चलना है उड़ के। पौनो 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 पौनो। दोस्तों समय हो रहा था 2:20 दोपहर के, रुका तो था मैं पानी पीने, लेकिन सोचा कि थोड़ी भूख भी लग रही है तो खाना खा ही ले। तो आज मंगाया भैया अपन ने सेव टमाटर, ठीक है, सेव टमाटर खाते हैं आज, मजे करते हैं। माउंट आबू ज़्यादा नहीं है, कोई 1 घंटे का यहाँ से रास्ता है, तो आराम से कवर कर लेंगे। और ये खड़ी अपनी बाइक, लग रही ना ज़बरदस्त। चलो खाना खाते हैं फिर बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में क्या है, मिर्च मसाले तीखे के बड़े शौकीन है भाई। भाई को बोला कि भैया मिर्ची वगैरह कम करके लाना, फिर भी मिर्ची बढ़ लाया। खैर चलो कोई बात नहीं, लंच हो गया भैया, खाई सेव टमाटर और रोटी, और यहाँ से मारना है अपने को राइट माउंट आबू के लिए। थोड़ा सा आगे से भैया नज़ारे और ठंडक हल्की हल्की शुरू हो जाएगी, अभी तक तो गर्मी है उबलती हुई। माउंट आबू में भैया ऐसे हाल है ना कि देख करके ऐसा लगता है कि मतलब है ना, ये माउंट आबू राजस्थान में नहीं है, ये है गुजरात में। मतलब यहाँ इतने राजस्थानी नहीं मिलेंगे आपको जितने गुजराती मिलेंगे। और पहाड़ियाँ यार अभी भी क्लियर नहीं दिखाई दे रही है, ये कोहरा है या क्या है समझ नहीं आ रहा है। वो देखो पत्थर, उसको देख के ऐसा नहीं लग रहा कि कोई शेर का मुँह है और वो ऊपर की तरफ जा रहा है। वो देखो ऐसा लग रहा है शेर का मुँह है और ऊपर की तरफ देख रहा है, क्या बात है। हालांकि माउंट आबू में ऊपर एक जगह भी है टॉड रॉक, तो जो एक चट्टान बनी हुई है ना पत्थर की, वो ऐसा लगता है जैसे कोई टर्टल हो, यानी क्या कछुआ, हाँ कछुआ। सो फाइनली वी आर एट आबू रोड, और आबू रोड अपन पहुंच गए भैया, और यहाँ से जो है चढ़ाई शुरू हो जाती है माउंट आबू की। माउंट आबू अब आएगा काबू। यहाँ थोड़े थोड़े जो है पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं, और भैया यहीं से जो है चढ़ाई शुरू हो गई है माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्या बात है। इस रोड को भैया आम मत समझना, इस रोड पे कभी कभार आपको किस्मत होती है तो भालू भी घूमते हुए नज़र आ जाते हैं, क्योंकि माउंट आबू में बहुत भालू हैं भाई। माउंट आबू का एक सिस्टम ठीक है कि यहाँ पर घूमने फिरने के पैसे नहीं लगते, चाहे वो गुरु शिखर हो, चाहे वो अचलगढ़ हो, चाहे वो हो अपना भैया नक्की लेक, चाहे हो वो अपना टॉड रॉक, मतलब चाहे हो अबूरता देवी, मतलब जो भी ऊपर मोनूमेंट है ना, कहीं भी चले जाओ आप कहीं के पैसे नहीं लगते। लेकिन यहाँ भैया होटल इतने महंगे हो गए हैं ना, आप पूछो मत। सैटरडे संडे तो यहाँ ऐसा हाल हो जाता है कि भैया जगह ही नहीं मिलती होटलों में भी ना। अगर आपकी बाइक में या गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो घबराइए मत, ऊपर चल करके भैया पेट्रोल पंप आपको मिल जाएगा। ऊपर एकमात्र HP का पेट्रोल पंप है, अब और हो गए हों तो पता नहीं, लेकिन एक तो HP का पेट्रोल पंप ऊपर है। जैसे जैसे भैया ऊपर पहुंचते जा रहे हैं वैसे वैसे ठंड भी बढ़ रही है, साथ में ट्रैफिक भी बढ़ रहा है। जब हम ऊपर आ रहे थे तब तो गाड़ियां नहीं थी, लेकिन अभी जैसे 5-7-8 किलोमीटर बचा है ना, वैसे गाड़ियों की लाइन लगना शुरू हो गई है। सो भैया आबू रोड से 21 किलोमीटर चल के अपन आ गए हैं माउंट आबू, और वाइब्स तो है यार, लेकिन आज थोड़ी शांति लग रही है। ऐसा लग रहा है थोड़ा आगे जाएंगे ना तो भैया भीड़ अच्छी वाली हो जाएगी। अभी अपना सबसे मेन काम है, मेन फोकस है कि अपने को भैया गेस्ट हाउस या होटल चाहिए बजट में, वो कहाँ मिलेगा अपने को, है ना, उसी की तलाश में अपन चल रहे हैं। शुक्र है आज सैटरडे फ्राइडे या संडे नहीं है, वरना भैया कुछ नहीं मिलता अपने को। ये आ गया भैया माउंट आबू का पेट्रोल पंप, एकमात्र पेट्रोल पंप है माउंट आबू में। 1 घंटा होने को आ गया, रूम नहीं दे रहा है कोई, मतलब रूम तो है लेकिन दे नहीं रहे। मैं पूछ रहा हूँ क्यों, तो कह रहे हैं भैया अकेलों को रूम नहीं देते। मैंने कहा क्यों नहीं देते, तो आधे तो बता ही नहीं रहे हैं, यूँ कह रहे हैं कि बस सेठ जी ने मना कर रखा है। और एक भाई बोला तो मैं उससे पूछा, मैंने कहा भाई क्यों नहीं दे रहे, वैसे रीज़न क्या है, तो पता क्या बता रहा है, वो कह रहा है सर वो है ना सुसाइड वगैरह कर लेते हैं। अरे यार कोई इतनी दूर से तुम्हारे होटल में सुसाइड करने आएगा क्या यार, पंचोटी धर्मशाला, धर्मशाला तो बिल्कुल नहीं देगी। राजस्थान का होकर के राजस्थान में कोई कमरा नहीं मिल रहा है, बताओ। अरे कहीं तो चल यार, मतलब 1.5-2 घंटे हो गए हैं रूम देखते देखते। अकेले हो? नहीं है भैया। अकेले हो? नहीं है भैया। इधर एक होटल आया था उसमें पता कर लेते हैं। होटल मुश्किल आसान, नाम तो देखो होटल का यार, होटल मुश्किल आसान। रूम है क्या? दो लोग रहेंगे।
दो लोग रहेंगे। अभी भैया मैं देख कर के आया RTDC का रूम, ठीक है, 2100 रुपए का रूम है। लेकिन आप रूम में चल जाओगे ना तो जो रेलवे स्टेशन पे लॉज होते हैं ना वो भी बढ़िया होते हैं। इतनी बुरी हालत है कि बस आप पूछो मत। रूम है क्या, रूम है क्या? सो दोस्तों फाइनली अपने को रूम मिल गया है। रूम का किराया है 1300 रुपये। लेकिन सबसे बड़ी बात, उन्होंने ये नहीं पूछा कि भैया आप अकेले हो क्या। यार यही होना चाहिए, अकेला आदमी इसका मतलब क्या रूम ही नहीं दोगे? ये कहाँ का न्याय है भाई। अब भैया देखो सूर्य है ना जो अपना, वो होने वाला है अस्त, तो सनसेट होने वाला है। और यहाँ आपको पता होगा भैया हनीमून पॉइंट भी है, तो फटाफट वहाँ पहुँच जाते हैं अपन और वहाँ के नज़ारे लेते हैं भैया सनसेट के। भाई कह रहा है सनसेट डूब गया। पहले तो भैया उस हनीमून पॉइंट तक जो है गाड़ी जाती थी, अब इन्होंने जो है बंद कर दिया। अब क्या करें, अब कहाँ चलें क्या करें, कोई नहीं, बाइक को लगाते हैं पार्किंग में और नकीले घूमते। भाई बंदूकें चल रही हैं, क्या बात है। ये भैया यहाँ की बाबा गाड़ी, सो दोस्तों हम खड़े हैं अभी नक्की लेक पर कि सर्दी आ जाती है जब अच्छी वाली, तो कई बार भैया ये जो लेक है ना फ्रोजन हो जाती है बिल्कुल, मतलब बिल्कुल जम जाती है। यहाँ भैया आपको खाने पीने की चीज़ों से लेकर के पहनने ओढ़ने तक का सब मिल जाएगा, मतलब बिल्कुल मॉल रोड हो रहा है। मिलिट्री की दौड़ हो रही भैया, दौड़ो दौड़ो, देश का भविष्य आप लोगों के हाथ में ही है भैया। तो दोस्तों जल्दी भागो,